तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें इन तीनों का, ये तीनों मिलके कुल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं उसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो नेट इम्पीडेंस आप सीरीज LCR का आप पढ़े होंगे, जेड इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट, ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेशन में लेनी है। तो सबसे पहले हम XL XC R यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो XL XC निकालेंगे। सबसे पहले XL निकालते हैं। XL का फार्मूला बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, दिस इज, तो ये आ गया XL इज इक्वल टू, बेसिकली आपको फार्मूला पढ़े हो गए, XL इज इक्वल टू ओमेगा L के इक्वल होता है। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाइड बाई L। तो यहाँ से 2 पाई और यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इम्पिडेंस। अब यहाँ से जो मिली हेनरी है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, हाँ 50 हर्ट्स यहाँ पे AC का दिया हुआ है, दैट इज़ 50, और L यहाँ पे दिया हुआ है 50 मिली हेनरी, 50 पाई इंटू 10 की पावर -3, दैट इज इतना ओमेगा होगा। इसको सॉल्व करो, पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया और 10 की पावर -3, तो ये 10 बनेगा, ये 10 और ये 10 जीरो ख़त्म हो गया, तो ये बच गया 5 ओम। तो जो XL आ गया वो तो आ गया अपना 5 ओम। अब हमें चाहिए XC, ठीक है। तो XC निकालने का अपना बेसिक फार्मूला आई होप कि आपको सबको आता होगा। तो XC यहाँ से आप निकाल सकते हो, XC इज इक्वल टू 1/ωC, और 1/ω मतलब 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ AC और C कैपेसिटेंस। अब इसमें वैल्यू रख दो 1/2π, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 की पावर 3 पाई, और C कैपेसिटेंस यहाँ से दिया हुआ है, हाँ कैपेसिटेंस यहाँ से 2 पाई कैपेसिटेंस है 10 की पावर 3 पाई और 10 की पावर -6 फैरेड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालेंगे वही AC का फ्रीक्वेंसी 50। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से पाई, ये पाई इसको ख़त्म कर दिया, और यहाँ से जो है ये 10 की पावर 6 ऊपर चला गया और नीचे बच गया। यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 100 इधर से आ गया और 10 की पावर 3 यहाँ से आ गया, तो ये 3 जीरो ऊपर गया, 3 जीरो और 2 जीरो इससे खत्म खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 10 ओम। दैट इज XC भी आ गया अपना 10 ओम। और यहाँ से R की वैल्यू अपने पास था सर्किट में देखो 10 ओम, तो यहाँ से जो नेट इम्पीडेंस जेड आ जाएगा वो आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अंडर रूट। तो सब में वैल्यू रख दो, XL अपना आ गया 10 -5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 10 का होल स्क्वायर आपके पास पहले से यहाँ से दिया हुआ था, तो यह आ जाएगा 25 और प्लस आ जाएगा 100 अंडर रूट, ठीक ना। तो यह आ जाएगा 125, ठीक ना। 125 मतलब 5√5 ओम, दिस इज फाइनल सोल्यूशन, मतलब डी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।